हमारे पैनलिस्ट वर नॉट वेरी हैप्पी विद द बैटिंग ऑर्डर एंड ऑल। और अगले लेटर हाफ में हम बात करेंगे आने वाले मैच के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज किक स्टार्टिंग देयर कैंपेन टुडे अगेंस्ट कराची किंग्स। अवे मैच है, कराची किंग्स होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और इसके अलावा सवेरा हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी होंगे प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, जिस तरह हम रेगुलरिटी में जोर का जोड़ में आप देख रहे हैं दैट परफॉर्मर्स ऑफ द डे, जो पिछले मैच का परफॉर्मर होता है वो हमारे साथ है। सो कोई गेसिंग पॉइंट्स इस पे नहीं मिलेंगे बिकॉज कल का जो परफॉर्मर था वो हम सबको पता है, जिसने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, वो कहते हैं ना, बैटिंग की कमर ऐसी तोड़ी कि फिर से वो उठ नहीं सके। तो एहसानुल्लाह भी हमें लेटर ऑफ दी शो में ज्वाइन करेंगे, बट इस वक्त जो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन इन कर रहे हैं मिसबाह उल हक मौजूद हैं, इमाम उल हक मौजूद हैं, इरम जावेद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये तो अच्छा, हाँ वैसे आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी सी जो है, अच्छा ये भी बता रहे चलें जी, कल के मैच के जो फातिह कप्तान हैं उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू होनी है, रिजवान के साथ भी एक मुख्तसर सी बातचीत है वो भी रहेगी। इसके अलावा हम सवेरा ऐसा करते हैं कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के साथ करते हैं, उस डिस्कशन के साथ, बिकॉज भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि PSL हो रहा है तो हम बाकी खेलों के हवाले से या क्रिकेट की बाकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम, तो आप जानते हैं कि वुमेन वर्ल्ड T20 इस वक्त साउथ अफ्रीका में चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान को पहले मैच में भारत की मजबूत टीम के खिलाफ एक काफ़ी क्लोज मुकाबले के बाद शिकस्त हुई थी। लेकिन कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोड में थी, एक बार फिर से अपना सबसे हाईएस्ट स्कोर किया और पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप T20 में पहली सेंचुरी मुनीबा अली ने स्कोर की। सवेरा, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान विमेन टीम एंड व्हाट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन, 70 रन्स। एग्जैक्टली, वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान वुमेन टीम, जिस तरह उन्होंने खेला। एंड यस, सबसे अच्छी बात यह, द वेरी वेरी बिग पॉजिटिव दैट आई वुड टेक आउट नॉट फ्रॉम दिस मैच बट इंडिया वाले मैच से भी, कि हम अच्छा टोटल सेट कर पा रहे हैं। 150 था लास्ट टाइम, 150 का टारगेट हमने सेट किया था, इस दफ़ा और ज़्यादा था, 166 का टारगेट हमने दूसरी टीम को दिया था। इरम, सबसे पहले मैं इरम की तरफ आऊंगी। इरम, मुनीबा, जिनको प्यार से मुन्नी कहते हैं पूरे सर्किट में, मुन्नी ने कमाल कर दिया भाई। बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो, जिस तरह से हमारी लड़कियों ने मैच खेला है। इंडिया के साथ भी बहुत अच्छा मैच खेला था, वो तो आपको पता है क्रिकेट एक फ़नी गेम है, कभी कहीं तो कभी कहीं, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। उस दिन भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, इंडिया की लक थी तो वो जीत गए। लेकिन जो कल का मैच हुआ है, मुझे लगता है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग, सारा जो क्रेडिट जाता है वो मुनीबा को जाता है, जिस तरह उन्होंने एक हिस्टोरिक कह लें जो सेंचुरी की है और आउटस्टैंडिंग खेला है। मैंने सारी बैटिंग देखी है, एक एक शॉट्स देखी हैं, जिस तरह उनकी फुट मूवमेंट थी, जो उनकी हेड पोजीशन था, जो उनका बैलेंस था, जो उनकी बैट स्विंग थी, लाइक किस बारे में मैं बात करूं, बहुत आउटस्टैंडिंग था। जिस तरह की वो प्लेयर हैं, हम खेलते रहते हैं, वो बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत मेहनत करती हैं, अपने गोल्स उन्होंने सेट किए हुए हैं, अपनी क्रिकेट पे उनका फुल ध्यान रहता है, बहुत ऑल द टाइम फोकस रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट की ही बात करती हैं। तो यकीन था कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक दिन करेंगी, जो कि सारे पाकिस्तान ने देखा है माशाल्लाह। और आगे भी यही है कि अभी ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है। मेरा यही मैसेज है कि पूरी टीम को कि ये अभी स्टार्ट है, अभी वर्ल्ड कप में अभी मैचेस इंग्लैंड से भी रहता है, तो अच्छा अच्छा खेलें और अपने पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। मिसबाह, आपको मौका मिला कल का मैच देखने का, इसका स्कोर कार्ड वगैरह आप फॉलो करते हैं वैसे वुमेन क्रिकेट? जी, मैंने पिछला मैच देखा था पूरा इंडिया, कल तो नहीं देखा कल, क्योंकि PSL का मैच देखते रहे। राइट, लेकिन मज़ा आया। जो बहुत अरसे से मैं हमेशा बात करता था, जब इवन प्रैक्टिसेस भी देखते थे इनकी, तो एक ही मैं बात करता था कि पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट है वो पावर गेम में लैग करती है। पावर गेम जहां आती है तो हम वहां पे उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाते दुनिया के साथ, जिस तरह बाकी दुनिया में अब बड़ी बड़ी हिटें भी मारना शुरू हो गई हैं। उनकी जो ऑन ग्राउंड जो रनिंग है, जो स्पीड है, वो ज़्यादा है। बट इस वर्ल्ड कप में मैंने क्लियर कट चेंज देखी है, पाकिस्तान टीम में अप्रोच देखी है, चेंज। और पावर गेम इम्प्रूव देखी है, यानी जहाँ पहले 100 रन 110 रन मुश्किल से 120 रन करते थे, पहले मैच में भी 149 किया, बड़ा ज़बरदस्त चार्ज किया। और कल के मैच में तो कमाल ही हो गई कि सेंचुरी करना T20 क्रिकेट में फॉर अ वुमेन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और सबसे अच्छी चीज़ जो इम्प्रूवमेंट आ रही है कि बड़े स्कोर कर रहे हैं, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जो कि मॉडर्न क्रिकेट है। अब लड़कियों में भी इसी चीज़ का कंपटीशन है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स एंड द कोचिंग स्टाफ, जो कि बिल्कुल पाकिस्तानी सारा कोचिंग स्टाफ है। बहुत एक बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। और जिस तरह हम मुनीबा की तो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुनीबा ने सेंचुरी की है और जिस तरह मुनीबा ने खेला है कल, 14 चौके लगाए हैं। बट दूसरी तरफ अगर मैं बॉलिंग में बात करूं तो नशरा संधू एक बहुत प्रॉमिसिंग, वैसे ही वो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, बट जिस तरह कल उन्होंने परफॉर्मेंस की, इमाम एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी टीम पाकिस्तान की तरफ से। आप बैटिंग में बात कर लें और आप बॉलिंग में बात कर लें तो दोनों तरफ एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखी, वरना टीम 70 के मार्जिन से, 70 रन के मार्जिन से ऐसे नहीं जीतती अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस ना हो तो। जी बिल्कुल, पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तान वुमेन टीम को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन चल रही है वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के अगेंस्ट आप जब 100 करते हो तो मेरे ख्याल से ना उस प्लेयर का बल्कि एज अ टीम एक पूरे मैनेजमेंट का, एक वुमेन टीम के लिए 100 करना इतने बड़े फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप में, तो एक सारा मोराल आपका ना एकदम ऊपर चला जाता है। तो जो इनको, मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले मैचेस इनके क्रंच मैचेस हैं और हो सकता है कि वो डू एंड डाई वाले मैचेस हो गया कि अगर इन्हें आगे क्वालिफाई करना है, तो इससे बहुत अच्छी क्रिकेट है और बहुत अच्छी चीज़ है एक पाकिस्तानी वुमेन टीम्स के लिए। और उसके बाद जो इनका ग्रास स्ट्रक्चर होगा उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। जैसे मिसबा भाई ने बात की कि जैसे मेन क्रिकेट में भी अब पावर हिटिंग की बहुत एक चीज़ है जिस पे हम लैक करते हैं और हर प्लेयर इस पे काम कर रहा है। और वुमेन का भी ये था कि जब हम नहीं देखते थे बड़े स्कोर, बिकॉज हमें ऐसा लगता था कि इन पे जो है इनकी वो पावर हिटिंग में अभी थोड़ी सी कमी है। तो ये जो एक ऐसी चीज़ है कि हमने बहुत अरसे बाद इम्प्रोवाइजेशन देखी, मैंने थोड़े से क्लिप्स देखे मुनीबा के बैटिंग करके हुए, तो उसकी जो इम्प्रोवाइजेशन थी। और दूसरी हिटर, उसका मुझे नाम नहीं पता, जो आयशा नसीम, उसके जो छक्के हैं, और पता लग रहा है कि वो एक सही ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए कि पहले तो प्लेयर्स को कि इस एक्सेप्टेंस को कि जी हमने इस तरह खेलना है, इस तरह मूव फॉरवर्ड करना है अगर हमने आगे किसी बड़ी टीम को कम्पीट करना है। और उसके बाद मैनेजमेंट को भी कि इस तरह का आपने चीज़ें इन्वॉल्व की हैं। वैसे रिस्ट आयशा नसीम की, जो हम रिस्ट की बात करते हैं, रिस्ट पावर की, वैसे सवेरा कल जब आयशा बैटिंग करने आई तो कल आयशा 2 गेंदें खेली। पहली गेंद में उन्होंने छक्का मारा और दूसरी गेंद में वो स्टंप होकर वापस चली गई। मैं ये सोच रहा था कि लाला होते तो कितना फखर करते हैं, यार क्या मेरी तरह की इनिंग खेल की गई है लड़की, शाबाश। चलें जल्दी से मैच समरी पे जो है ना वो हम नज़र डाल लेते हैं, और ये स्क्रीन पे जो है वो इस वक्त मैच की समरी, इसके बाद फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान वुमेन पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए, 5 विकेटों के नुकसान पर है। मच टॉक्ट अबाउट 100 बाय मुनीबा अली, जिन्होंने 102 रन बनाए। निदा डार ने उनका साथ दिया, नहीं कप्तान मेरे मुंह से निकला था, बट नो शी इज नॉट द कैप्टन, वी नो दैट। 33 रन उन्होंने बनाए। जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम जो है वो सिर्फ 95 रन बनाकर आउट हो गई इन द 17th ओवर। और नशरा की बात की, 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। अगेंस्ट इंडिया भी नशरा की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही थी और शायद अगर उनको ठीक से इस्तेमाल किया जाता तो उस मैच का नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। जस्ट FYI पाकिस्तान के अब 2 मैचेस रह गए हैं। संडे को पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वुमेन। आई थिंक ये वो टीम है जिसके खिलाफ वी कैन फैंसी आवर चांसेस ऑफ कोर्स ऑफ विनिंग, बिकॉज हमने रीसेंट टाइम्स में वेस्ट इंडीज की वुमेन के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है। एंड देन द बिग वन ट्यूसडे को अगेंस्ट टूर्नामेंट फेवरेट्स इंग्लैंड, ये मुकाबला 21 फरवरी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 6 बजे होगा। So that's it about the Women World Cup. Every match that Pakistan women team would play now would be a do or die. ये जो पिछला मैच भी खेला, that was a do or die, because ये जो ग्रुप है ये आसान नहीं है। इस ग्रुप में इंडिया भी है, इस ग्रुप में इंग्लैंड भी है, और ये दोनों टीम्स जो हैं ये हमसे काफी बेहतर हैं। So एक मैच हम इंडिया के अगेंस्ट हार चुके हैं, which means हम वो पॉइंट्स हमारे कट गए हैं। बिल्कुल। So अब जो मैच खेलना है वो बहुत जरूरी है पाकिस्तान वुमेन टीम।